बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे। दिस ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दिस सिलेबस इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ाया जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद ये होती है कि इट इज़ द फॉर्मल चार्ज present on an atom in a molecule or polyatomic ion। किसी भी मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन में मौजूद किसी एक एटम पे जो टेम्प्ररी चार्ज होता है, जो फॉर्मल चार्ज होता है, उसको हम या तो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर चूँकि बेसिकली फॉर्मल चार्जेस हैं, टेम्प्रेरी होते हैं, तो हर मॉलिक्यूल में उन एटम्स की फॉर्मल चार्जेस आपको इंडिविजुअली फाइंड करने होते हैं। और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो फॉर्मल चार्ज को फाइंड करने के लिए एक रेफरेंस चार्ज भी होना ज़रूरी है। सो देर आर सम रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स for the determination of oxidation state। rule number 1 is charge on an element in its free state is zero। कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ी जाएगी वो जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसीडर क्लोरीन इन Cl2, ब्रोमीन इन Br2, ऑक्सीजन इन O2, नाइट्रोजन इन N2, दीज ऑल आर ज़ीरो, क्योंकि Cl2, O2, Br2, N2 ये सब फ्री स्टेट होती हैं। इसी तरीके से अगर मोनो एटॉमिक स्पीशीज़ को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के ऊपर भी चार्ज क्या होगा? ज़ीरो। सेकंड रूल क्या बनेगा? सेकंड रूल बनेगा कि सम ऑफ द चार्जेस ऑफ ऑल द एटम्स present in a molecule or polyatomic ion is equal to the overall charge। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को कैसे हम एक्सप्लेन करें? फॉर एग्जाम्पल H2SO4 को अगर हम देखें तो H2SO4 का ओवरऑल चार्ज क्या है? ज़ीरो। कोई चार्ज मेंशन नहीं है अपेरेंटली, तो ओवरऑल चार्ज ज़ीरो। इट मींस के हाइड्रोजन
सल्फर और ऑक्सीजन सबके चार्जेस को जब सम अप किया तो आंसर क्या बना, जीरो। इसी तरीके से PO4-3 की बात करें तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या, -3। इट मींस के फास्फोरस और ऑक्सीजन के चार्जेस को जब सम अप किया तो वैल्यू क्या आएगी, -3। तो सम ऑफ द चार्जेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द ओवरऑल चार्ज। एक और बात हम क्या देखेंगे कि चार्ज ऑन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा, इट इज +1 विथ नॉन मेटल्स एंड -1 विथ मेटल्स। यानी कि जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, और जब भी वो किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस पर -1 का चार्ज आएगा। सिमिलर इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो हमें कुछ बातें ये भी जहन में रखनी है कि रेफरेंस चार्जेस ग्रुप के एलिमेंट्स के क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, Group 1A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका रेफरेंस चार्ज +2 होगा, Group 2A के तमाम एलिमेंट्स का रेफरेंस चार्ज +2, Group 3A के एलिमेंट्स का रेफरेंस चार्ज +3, Group 6A के एलिमेंट्स का रेफरेंस चार्ज -2 और 7A के एलिमेंट्स का चार्ज -1। यहाँ पे 3 और 4A ग्रुप का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी फॉर्मल चार्ज शो करता है। अच्छा, यहाँ पे Group 6A और 7A के मैंने मेंशन किए हैं, क्या मैंने मेंशन किए हैं रेफरेंस चार्जेस, लेकिन ये फॉर्मल चार्जेस भी शो करते हैं। लेकिन अगर इनको कभी रेफरेंस के तौर पर काउंट किया जाएगा तो रेफरेंस इनकी ये वैल्यूज होंगी। अब जरा इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अगर एक एक करके एलिमेंट्स को फॉलो करें, और फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू गाइज कि फाइंड दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तवज्जो के साथ देखिए। यहाँ पे दो हाइड्रोजन मौजूद है, एक सल्फर मौजूद है, चार ऑक्सीजन मौजूद है, ओवरऑल चार्ज जीरो है। हाइड्रोजन इस वक्त नॉन मेटल्स के साथ मौजूद है तो ये +1 का चार्ज शो करेगा। ऑक्सीजन Group 6A से बिलोंग करता है, इसका चार्ज -2 होगा और ओवरऑल चार्ज जीरो। तो 2 × +1 +2 हो गया, प्लस सल्फर हो गया और -8 हो गया। तो ये आपके पास बना सॉल्व करने पे कुछ यूं, और सल्फर की वैल्यू आई आपके पास +6। ये हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली इन H2SO4। अगर यही आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO3, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम देख सकते हैं कि भाई एक हाइड्रोजन मौजूद है, एक क्लोरीन मौजूद है, तीन ऑक्सीजन मौजूद है, ओवरऑल चार्ज जीरो। ये हो गया +1, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो ये +1 और ये क्या हो गया -6, तो ये आपके पास बना -5। और क्लोरीन पे जो चार्ज आया वो क्या बना, +5। ये -5 इक्वल्स टू की दूसरी साइड जब गया तो इसके ऊपर चार्ज +5 हो गया। इसी तरीके से और एग्जांपल्स अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भाई
चार्ज ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो पोटेशियम पाया जाता है ग्रुप वन ए में, क्रोमियम का चार्ज आपने फाइंड करना है, दो क्रोमियम गिवन है, आपने एक क्रोमियम का फाइंड करना है, सात ऑक्सीजन मौजूद है, ओवरऑल चार्ज जीरो है। पोटेशियम का चार्ज हो गया प्लस वन क्योंकि ये ग्रुप वन ए में मौजूद है, एक क्रोमियम का चार्ज आपने फाइंड करना है, तो ये वैल्यू बनी प्लस टू और ये वैल्यू बनी माइनस 14, यानी के ये हो गया माइनस 12। तो दो क्रोमियम के ऊपर चार्ज की वैल्यू आ रही है प्लस 12, विच मीन्स के ईच क्रोमियम विल हैव द चार्ज ऑफ हाफ ऑफ द 12 प्लस 6। ये हमारे पास क्रोमियम का चार्ज हो गया। इसी तरीके से अगर हम किसी पॉलीएटॉमिक आयन को देखें, पॉलीएटॉमिक आयन में हमारे पास क्या आ सकता है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन, तो नाइट्रोजन का चार्ज निकालना है, चार हाइड्रोजन मौजूद हैं, ओवरऑल चार्ज प्लस वन है, एक हाइड्रोजन का चार्ज इस वक्त प्लस वन होगा क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ है, ये 4 × +1 ये बना नाइट्रोजन प्लस 4 = +1। और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसे निकाला जाएगा, ये प्लस वन था, दूसरी साइड से माइनस 4 आ गया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना बना माइनस 3, ये नाइट्रोजन का चार्ज है कि नॉन मेटल है, नेगेटिव में इसका चार्ज बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई इशू नहीं। इसी तरीके से और एक एग्जांपल डिस्कस करके आज की क्लास को, आज की वीडियो लेक्चर को हम एंड करते हैं। तो लेट सपोज वी हैव अ स्पीशी और उसमें फास्फोरस का चार्ज आपने निकालना, अब देखो H2PO4 में फास्फोरस मौजूद है और इसके दो मॉलिक्यूल्स एक कैल्शियम के साथ अटैच है, तो आप इसको इंडिविजुअली पहले मेंशन करें, तो भाई एक कैल्शियम हो गया प्लस दो मॉलिक्यूल्स में आपके पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक फास्फोरस हो गया, चार ऑक्सीजन हो गए, ओवरऑल चार्ज जीरो, ये हो गया प्लस टू और ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, टू मल्टीप्लाई बाय प्लस वन प्लस फॉस्फोरस प्लस 4 × −2। ओवरऑल चार्ज हो गया जीरो, ये प्लस टू प्लस टू ये हमारे पास बना प्लस टू प्लस पी माइनस 8, तो अब इस टू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये बना प्लस 4 प्लस 2p माइनस 16, ये हो गया प्लस 6 प्लस 2p माइनस 16, तो 2p के साथ हमारे पास बना माइनस 10 और 2p का चार्ज हमारे पास आया प्लस 10। हमें 1p यानी एक फास्फोरस एटम का चार्ज निकालना है, तो प्लस 10 / 2, तो फास्फोरस पर चार्ज बना हमारे पास प्लस 5। होपफुली आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी वो बात समझ में आई होगी, और ये जो तीन चार एग्जांपल हमने पढ़े उनसे आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को फिर हम फर्दर यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने के लिए, एंड देन वी विल स्टडी द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।